इसी खुदाबंद में मेरे ऐसी तो खुदा जो भूखे को रोटी अदा करता है, प्यासे को पानी, वो जो खुद अपना बदन खाने के लिए देता है, खाओ ये मेरा बदन है जिसमें हमेशा की जिंदगी है, वो आज फरमा रहा है कि मैं वो जिंदा पानी हूं, जो ये पानी पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, उसके अंदर ये जिंदगी का चश्मा बन जाएगा ताकि वो फिर कभी प्यासा ना हो। आज हमने देखा आज की पहली तिलावत में कि कौम बनी इसराइल मूसा के पास आए, उससे लड़ाई करने लगे कि तू हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया है जहां पर ना पानी है। तो मूसा ने खुदा से बात की, खुदा ने मूसा को कहा कि चट्टान पर असा मार तो वहां से पानी जारी होगा, और सब लोगों ने पानी पिया उस चट्टान से। अब वो चट्टान कौन है? खुदावन यीशु मसीह, जो बियाबान में भी अपने लोगों को शेयर करता है। यीशु वो चट्टान है, जो भी उसका प्यासा होता है, यीशु फरमाते हैं ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो अच्छा चरवाहा है। 23 कबूल, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं, वो मुझे हरी हरी चरागाहें चराता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, राहत के चश्मे जहां से सुकून मिलता है। ऐ प्यासो मेरे पास आओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। जब खुदा अपने लोगों की प्यास देखता है तो उन्हें चट्टान से पानी पिलाता है, चट्टान से, और चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है जो हमेशा की जिंदगी बख्शते हैं। आज हमने अंजील मुकद्दस में भी देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक सामरी औरत से गुफ्तगू करता है, कहां पर? जहां पर कुआं है। कुएं की मिसालें या कुएं की जो खूबसूरती है या थियोलॉजी है ये है कि सुबह शाम औरतें पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है, नलके या टूटियां ये कुछ नहीं होता था, लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए पानी कुएं से भर कर लाते थे, औरतें सुबह के वक्त और शाम के वक्त कुएं से पानी लाते थे। और दूसरी बात कुएं के बारे में कि ये एक मीटिंग प्लेस होती थी, लोगों की गैदरिंग होती थी, इज्तिमा होता था, जमा होते थे, जैसे कभी हमारे इधर तनूर पर बीबियां इकट्ठियां भी हैं, वो तनूर ही नहीं है लेकिन खुदा के तनूर ते बीबियां महल दियां बीबियां इकट्ठियां होनी तो सारे महल दियां खबरां उठी होती हैं, कुएं ते बीबियां ने पानी भरन जाना सारिया खबर अपनिया भी दोनों दिन शेयरिंग करते रहना। अब हम कुएं के बारे में देखते हैं पाकलाम की रोशनी में कि कुएं पर यीशु क्या है, और पुराने हकनामा में कुएं की बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर जब रिबका अज़्दवाज बंधन में बंधी, अज़्दवाजी जिंदगी में बंधी तो कुएं के पास थी, जब राकिल का अज़्दवाज कहां पर हुआ, कुएं के पास, मूसा की बीवी सफूरा उसका अज़्दवाज कहां पर हुआ, कुएं के पास। हम देखते हैं पाकलाम की रोशनी में तकवीर 24वां बाब उसकी 11वीं और 14वीं आयत में और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती थी उसने उस शहर के बाहर कुएं के नजदीक
अपने ऊंटों को बैठाया। किसने? इब्राहिम के नौकर ने। जब इब्राहिम ने उसे भेजा तो सारा उसे बताया कि कहां पर जाना है, कहां पर, कहां से मेरे बेटे के लिए उसकी बीवी लाना है, और ये सारा कुछ बाप इब्राहिम ने अपने नौकर को अलीजर को बताया। तो उसके कहने पर वो चल पड़ा, लिखा है, और शाम के शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, तब उस औरत ने अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लिए और अपने आका की सब अच्छी चीजों में से अपने साथ लेकर रवाना हुआ और चलकर आराम महराम में नाहूर के शहर तक गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती थी, उसने उस शहर के बाहर कुएं के नजदीक अपने ऊंटों को बिठाया और कहा कि ऐ खुदावन मेरे आका इब्राहिम के खुदा, तू आज मुझे कामयाबी दे और मेरे आका इब्राहिम पर मेहरबानी कर। देख, मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूं और शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने आती हैं। बस यूं होने दे कि वो लड़की जिसे मैं कहूं कि अपना घड़ा उतार ताकि मैं पीऊं, और वो कहे कि पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, तो वो वही हो जिसे तू ने अपने बंदे इसहाक के लिए ठहराया है। कुआं और अस्वाज। और इसी से मैं जानूंगा कि तूने मेरे आका पर मेहरबानी की है। अभी दूसरा वाक्य हम देखते हैं 29वें बाब की पहली 12 आयत में, जहां पर यकूब का जिक्र है। तकवीर की किताब 29वां बाब। और यकूब सफर करके मशरकी लोगों के मुल्क में जा पहुंचा और उसने नजर की और देखा कि मैदान में एक कुआं है, मैदान में एक कुआं है और कुएं के नजदीक बेड़ों के 3 गल्ले बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसी कुएं से गल्लों को पानी पिलाते थे, और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा था, और जब गल्ले वहां जमा होते थे तब वो पत्थर को कुएं के मुंह पर से डलकाते और गल्लों को पानी पिलाकर उस पत्थर को उसकी जगह पर फिर रख देते थे। तब यकूब ने उनसे कहा, ऐ भाइयों तुम कहां से हो? वो बोले, हम हरान से हैं। फिर उससे उसने पूछा कि तुम नाहूर के बेटे लाबन को जानते हो? वो बोले, हम जानते हैं। उसने पूछा, क्या वो खरियत से है? वो बोले, खरियत से है। और देख, उसकी बेटी राकेल बेड़ों के साथ वो चली आती है। वो बोला, दिन हलूस बहुत है और बेड़ों के बाहर जमा करने का वक्त नहीं, तुम बेड़ों को पानी पिलाकर चराई पर ले जाओ। वो बोले, हम यूं नहीं कर सकते जब तक के सारे गल्ले जमा ना हो। तब पत्थर कुएं के मुंह से डलकाया जाता है और हम बेड़ों को पानी पिलाते हैं। वो इनसे ये कह ही रहा था कि राहिल अपने बाप के गल्ले के साथ आई, क्योंकि उसे चराई थी, चराती थी। जब यकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राहिल को और अपने मामू लाबन के गल्ले को देखा तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं पर से डलकाया। कुआं और राहिल जो उसकी बीवी ठहरी। फिर हम देखते हैं खुरूज की किताब 2 बाब 15 आयत में मूसा का और सपूरा का जिक्र है। मूसा जो उसकी बीवी सपूरा है। जब फिरौन ने यह खबर सुनी तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के सामने से भागा और वो मद्यान की सरजमीन में गया और एक कुएं के नजदीक बैठा, और मद्यान के काहिन की 7 बेटियां थी, वो आई और पानी निकालने लगी और घड़ों को भरा ताकि अपने बाप के गल्ले को पानी पिलाएं। तब गिडलियों ने आकर उन्हें वहां से हटा दिया, लेकिन मूसा ने खड़े होकर उन लड़कियों की मदद की और उनके गल्ले को पानी पिलाया। और जब अपने बाप रॉयल के पास आई तो उसने पूछा कि आज तुम क्यों कर जल्दी वापस आई? वो बोली, एक मिस्री ने हमें गिडलियों के हाथ से बचाया और हमारे लिए जितना काफी था पानी भरा और गल्ले को पिलाया।
उसने अपनी बेटियों से कहा, वो मर्द कहां है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुलाओ ताकि रोटी खाए। तब मूसा उस मर्द के घर में रहने के लिए रजामंद हुआ और उसने अपनी बेटी सपूरा मूसा को ब्याह दी। ये कुआं और उसकी कुछ वो बातें हैं जो कुएं के पास होती हैं, पुराने अहदनामा में हम पाई हैं। आज यीशु भी कुएं के पास ब्याह शादी के लिए। यहां पर हम दो लेवल देखते हैं, एक दुनियावी लेवल है, एक रूहानी लेवल है। एक दुनियावी सोच है, एक खुदाई सोच है। दुनियावी सोच क्या है और रूहानी सोच क्या है, आज हम इंजील मुकद्दस में देखेंगे। आज हम अपना ईमानी सफर भी देखेंगे। सामरी और उसका रूहानी सफर कैसे शुरू हुआ और फिर वो क्या करती है, मेरा और आपका रूहानी सफर कब शुरू हुआ और क्या कर रहे हैं। लिखा है, उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो सोपार कहलाता है और उस पिता के नजदीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और यकूब का चश्मा बनी था, चश्मा कुआं। चिनाचे यीशु सफर से मांदा होकर यूं ही चश्मा पर बैठ गया, यूं ही ऐसे। ये नहीं है कि यीशु भूखा था प्यासा था इसलिए यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था, टाइमिंग भी बता दिया, सुबह का वक्त था या शाम का वक्त, छठे घंटा शाम के वक्त। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पीने को दे। तो उसने क्या कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है? यीशु ने क्या जवाब दिया, अगर तू ये जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है खुदा की नेमत को जानती कि वो कौन है, तो तू उससे पानी मांगती तो वो तुझे जिंदा पानी दे, ताकि फिर तो कभी प्यासी ना होती। गुप्त का आगाज हुआ है। यह आज मेरी और आपकी कहानी है। जब हम खुदा से गुप्तगु करते हैं, पहले हम उसे क्या समझते हैं, फिर जब उससे रफाकत रखते हैं तो ईमान में क्या मजबूती हासिल करते हैं। पहले उसने क्या समझाया यीशु को, यहूदी, ठीक है। आगे हम देखेंगे उसके लफ्ज बदलते जाएंगे, वो एक एक लफ्ज उसके ईमान की गहराई को बताता है। तो कहता है तू उस नेमत को जानती जिसने तुझसे पानी मांगा है, अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदा पानी देता ताकि तू फिर कभी प्यासी ना होती। ये रूहानी लेवल है जी। दुनियावी लेवल, उसकी सोच क्या है, दुनियावी, अरे आका तेरे पास तो ढोल ही नहीं है, कुआं भी गहरा है, तो फिर तेरे पास वो पानी कहां से आया? लिखा है खुद उसने उसके ढोल तो नहीं है और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने पिया? ये दुनियावी लेवल है, जो दुनियावी सोच रखता है वो वही कुछ प्यार कर दिया जो वहां पर है। क्या तुम हमारे बाप यकूब से भी बड़ा है? फिर लिखा है यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो फिर वो क्या कहती है, यीशु को कहती है तुम ऐ आका, आका के बाद ऐ आका तू नबी मालूम होता है, तू नबी मालूम होता है, और इस चश्मा से पिया जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। यीशु ने औरत ने उससे कहा ऐ आका वो पानी मुझको दे कि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहां हूं। उसने उससे कहा जाकर अपने शोहर को बुला ला। और यहां औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शोहर नहीं रखती
यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शोहर नहीं रखती हूं, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जो अब रखती है वो तेरा शोहर नहीं, अब तेरा शोहर है, वो भी तेरा शोहर नहीं, 5 रख चुकी है, जिसके पास अब है वो भी तेरा शोहर है नहीं। तो क्या लगता है कि तू नबी है? पहले उसने यहूदी समझा, फिर आका समझा, फिर आका से नबी तक आई है। ये गुफ्तगु है, जब आप दुआ करते हैं, खुदा की रफाकत में गुरबत में रहते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं, तो आप और ज्यादा गहराई हासिल करते हैं, ईमान में गहरे होते जाते हैं, ईमान में मजबूत होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे आप किसी से पूछे, मिसाल के तौर पर कोई भूखा हो, उसे रोटी मिल जाए, अगर उससे पूछे खुदा तेरे लिए क्या है, तो वो क्या कहेगा? खुदा रिजक देने वाला है, रासक है, रासक है। अगर कोई बीमार हो, उसे शिफा मिल जाए, तो उससे पूछे कि यीशु तेरे लिए क्या है, तो वो क्या कहेगा? मेरे लिए शाफी है, शाफी है, शिफा देने वाला है। अगर कोई कैद में हो, उसे रिहाई मिल जाए खुदा के नाम से, दुआओं से, तो उससे पूछे यीशु तेरे लिए क्या है, वो कहेगा निजात देता है, रिहाई देने वाला है, कैदियों से, कैद से रिहाई देने वाला है। ठीक है, तो पहले उसने यहूदी समझा, फिर आका समझा, गुफ्तगू की, जैसे जैसे जान पहचान में बढ़े हैं, पहले यहूदी समझा, फिर आका समझा, फिर नबी समझा, और फिर क्या समझा? आका तू माशी है, अलमसीह आने वाला जो था, अलमसीह आएगा, सारे काम बता देगा। तो यीशु ने कहा मैं वही हूं। और जब यीशु जिंदगी में आ गया है, जिंदा पानी पी लिया, उसकी जिंदगी में यीशु आ गया है, शेर हो गई है, तो फिर मिशनरी बन गई है, सबको दवाई देती है, शहर में गई, सबको बताया, क्या हो उस शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं। तो जैसे जैसे मैं और आप यीशु में बढ़ते जाते हैं, ईमान में मजबूत होते जाते हैं, हमारे लिए जो यीशु है हम उसी का प्रचार करते हैं। अगर ईमान में मजबूत नहीं है, कलाम को नहीं जानते, यीशु जिंदगी में नहीं है, तो फिर लेवल फर्क होगा। अगर हम रूह में जिंदगी बसर करते हैं, अगर प्रस्तुत भी करते हैं, रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो यीशु हमारी जिंदगी में है, वैसे ही परस्कार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे। अब यहां पर एक और सवाल उठता है कि उस औरत ने झूठ बोला, क्या वाकई वो शोहर रखती थी? कितने शोहर थे उसके? क्या यीशु ये भी जानता है और उसकी आइंदा जिंदगी भी जानता है? अगर ये फाशा औरत है तो बातें तो मस भी कर रही है, अकीदे की कर रही है, बाइबल मुकदस की बातें कर रही है, इसका मतलब है कि ये फाशा नहीं है, वो खामद, वो शोहर कौन है, इसकी बात है। खुदावंद का मतलब क्या है, खामद का मतलब क्या है? हकीकी खुदा, मसाजी खुदा, किसकी बात हो रही है? यीशु ने कहा अपने शुक्र को बुलाना, कि नब्स आते ही आपके दिल में कुछ बात आनी चाहिए। जब इलियास नबी, जो झूठे नबी थे, हिजबल के लोग थे, उनसे कहते हैं बुलाओ, ऊंची पुकारो, तो इलियास जिंदा खुदा की इबादत करता है, उससे दुआ करता है, तो यहां पर बुलाओ,
क्या बाकी उसके शोर थे पांच? तूने खूब कहा कि तू पांच कर चुकी है, छठे के पास अब है, वो भी तेरा नहीं, तो इसका मतलब फिर कौन सा होगा, कौन सा नंबर आता है? जी सातवां, सातवां कामल अदद है। बार बार मैं एक लफ्ज ये आजकल नंबरों के बारे में बताता हूं ना, छह का अदद नामुकम्मल अदद है, सातवां अदद मुकम्मल अदद है, छह का अदद, छियाठ का अदद दो दफा नामुकम्मल, 666 तीन दफा नामुकम्मल, सात का अदद मुकम्मल अदद 77, क्या सात के 70 पर इससे भी ज्यादा, सात तो 70 777 तीन दफा मुकम्मल अदद, और ये कामल अदद है, खुदा से मुतल्लिका है। छह दिन काम किया सातवें दिन आराम किया, सातवें दिन को बरकत दी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये उसके शोहर जो है या कामल जो है वो कौन है, वो गैर मबूद है। कभी इस मबूद पर ईमान रखा, इसको भी छोड़ दिया, इस पर रखा इसको भी छोड़ दिया, इस पर रखा इसको भी छोड़ दिया, अब छठे पर ईमान है वो भी तेरा, तो अब किस पर आ गया, सातवें पर, यस्सु पर ईमान आया, यस्सु जिंदगी में आ गया है, तो सबको बता रही है आओ उसको देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। और जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, आए सुना यस्सु को, देखा और कहने लगे अब हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लाए, अब हम तेरे कहने पर ईमान नहीं ले, हमने खुद सुन लिया, देख लिया है, जांच लिया है, ईमान रखा है, समझ लिया है, ईमान रखा है, हमने खुद देख लिया अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन लिया है, अब तेरे कहने पर ईमान नहीं लाए। आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, पहले मेरे लिए यीशु क्या था जब मैंने ईमानी सफर शुरू किया, अब क्या है, क्या मेरी जिंदगी में पहले यहूदी समझता था मैं, या वैसे तकरार ये थी, फिर मेरे लिए यीशु क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या समझा, अब मैं क्या यीशु को समझता हूं, क्या मेरे लिए वो माशिक है, मसीहा है, अल मसीह है, निजात देने वाला है, रिजक देने वाला है, शिफा देने वाला है, मेरे लिए क्या है, तुम लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हैं। तो यीशु मसीह जो जिंदा पानी है, अच्छा चरवाहा है, अपना आप देता है, उस पर ईमान रखता है, और जो अपना आप हमें देता है, हमें भी अपना आप दूसरों को देना है, दूसरों के लिए तोड़ना है, ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ये पानी जो यीशु हमें देता है उसका कलाम है, जिसकी जिंदगी में ये आज कहा जाता है, पिछले दिनों में हमने सुना कि आसमान से बारिश होती है तो जमीन की रोएदगी का असर सब जो शताब्दी का बायस बनती है, इसी तरह मेरा कलमा है, बेफायदा वापस नहीं लौटेगा, असर करता है। तो खुदा का कलाम जो जिंदा पानी है मेरी और आपकी जिंदगी में, ये कुआं ये चश्मा लगाया गया है, ये कुआं अपने अंदर महसूस करें, और हम भी शेर हों और दूसरों को भी इस जिंदा पानी से शेर करें, ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, आमीन।